नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के बलिया से है, जहां प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के समीक्षा बैठक के बाद महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। आरटीई एक्ट के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन न मिलने से नाराज महिलाएं पहुंची थी प्रभारी मंत्री से मिलने। अधिकारियों द्वारा प्रभारी मंत्री से न मिलने देने पर महिलाएं भड़की। महिलाओं ने लगाया बीएसए सुभाष गुप्ता पर गंभीर आरोप। बीएसए से जब मिलने पहुंची ये महिलाएं तो बीएसए ने उन्हें ऑफिस से खदेड़ दिया। महिलाओं के हंगामा को देखते हुए जिलाधिकारी ने बीएसए पर लगे आरोप की जांच कराने की भी बात कही। आप देख रहे हैं बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। मंत्री जी धक्का मार के आपके, अरे खबर से चलिए 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 बाहर चलिए सर, थोड़ा भी ऐसा करेंगे सर। सर सुनिए सर, तो समझाइए हो गए सर। वीडियो है पूरा मंत्री जी इनका एक ही आरोप है, इनका मंत्री जी महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चे का शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एडमिशन हो। ये प्रकरण पहले भी प्रस्तुत हुआ है, इस पर हम लोगों ने बीएसए साहब के माध्यम से जांच कराई। पूरी पत्रावली का अध्ययन मैंने स्वयं किया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा एक में एडमिशन होता है, कक्षा एक में 25% कोटा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। उनका मामला यह है कि वह ऐसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन चाहती है जहाँ पहले से 25 कोटा पूरा हो चुका है, नंबर एक। दूसरी जो उन्होंने विकल्प दिया है वो ऐसे स्कूल का दिया है जो उनके वार्ड में है। इस कारण से उसमें तकनीकी दिक्कत आ रही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम मानक के अनुसार ही एडमिशन बच्चों का कराते हैं गरीब परिवारों में। इस साल हमने 1000 से ऊपर बच्चों का एडमिशन कराया है और उनके अभिभावकों से संतुष्टि का प्रमाण पत्र दिया है। अच्छा काम जनपद में हुआ है, परंतु फिर भी जैसे एक अनार सौ बीमार की कहावत आपने सर, महिलाओं का आरोप है कि बदसलूकी की है। आप डीएम साहब होकर महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं, लेकिन एक बीएसए साहब है महिलाओं को अपमानित करके अपने जलील करके क्यों मारे बीएसए साहब, उनका ये कहना है सर केस पर जांच करना मारा है या उन्होंने धक्का नहीं मारा, इसकी जांच जी मजिस्ट्रेट से कराऊंगा। जांच में पाया गया कि वास्तव में धक्का मारा है। जी अंतिम सवाल, जिस तरह से महिलाएं एक जबरदस्ती किसी मांग को एक मंत्री के सामने प्रदर्शन कर रही आत्महत्या की, क्या उन महिलाओं पर भी कार्रवाई हो सकती है? उन महिलाओं पर कार्रवाई करना नहीं नहीं ठीक है। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।